शारजा के साथ एक अनोखी सी मोहब्बत है हमारी, इमोशंस जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैचेस हम खेले हुए हैं, कमेंट्री भी की हुई है, तो उस लिहाज से एक खास लगाव है शारजा के साथ मुझे पर्सनली, और इसने लेट डाउन किसी को नहीं किया। बेहतरीन पिच, बेहतरीन कंडीशंस, जो आउटफील्ड भी अच्छी, और जो स्टेडियम है वो ज़्यादा बदला नहीं। स्वाय यहाँ पे लाइट टावर्स लग गए हैं, मगर ये अभी भी वही फील देता है स्टेडियम जो कि 25 साल पहले था। क्राउड्स ऊपर रहते हैं, एक्शन के आवाज़, आप यहाँ पे खेल रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ यहाँ तक आती है, और एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होता है। और जिसने वो, जैसे कहते हैं ना, जिस जो लाहौर नहीं गया और जमिया ही नहीं, जिसने शारजा में क्रिकेट नहीं खेली है वो क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ। बहुत बड़ा सेंटर, और HBL PSL को 4 साल लग गए। केविन पीटरसन बाय द वे आज मेरे साथ कमेंट्री पे थे, और आपने सुना होगा उनको, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, इजी गोइंग है, एक बड़े ग्रेट स्टार हैं वो, और उनकी प्रेजेंस इस HBL PSL में बहुत मायने रखती है, क्योंकि उन्होंने कह दिया, और एक तरह से आप समझिए कि एक एक ग्रेट आदमी जो कहता है वो बात फिर उसकी सुनी जाती है, और वो ये कह रहे हैं कि ये PSL के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ टेक ऑफ करेगी, अब ये नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है इससे चैंपियंस बनेंगे, जो मैं बहुत देर से कह रहा हूँ। और KP जो है वो भी यही बात कर रहे हैं कि अगर आपके सर विवियन रिचर्ड्स ड्रेसिंग रूम में होंगे या डगआउट में, और एक तरफ आपके क्रिस गेल होंगे या आंड्रे रसल होंगे या वो खुद होंगे केविन पीटरसन, तो हमारे यंगस्टर्स कहीं खराब या कहीं गलत नहीं जा सकते, एनवायरनमेंट चैंपियन बनाएगी। बहुत खुश हैं, फील्डिंग कहते हैं कि लाजवाब है फॉर अ ईयर वन लीग, कहते हैं फील्डिंग बहुत ही बढ़िया हुई है, इसके अलावा बॉलिंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, और ओवरऑल जो एनर्जी देखी गई है वो उसको थम्स अप कह रहे हैं। सो वेलकम कुमार संगकारा, वेलकम ब्रैड हॉज, जो कि बहुत आला T20 इंटरनेशनल सर्किट के बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलियन है, अभी बिग बैश खेल के आए हैं, बड़े अच्छे परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बड़े प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से बहुत फायदा होगा हमारे नए यंगस्टर्स को इनके साथ इंटरेक्ट और उठने बैठने में।